डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने कोरोना के इस संकट काल से लड़ने के लिए दो नए प्रोडक्ट बनाए हैं। ये दोनों प्रोडक्ट कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में कीटाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया को सक्षम करेगा। भारत में जिस तरह से कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ा है, वैसे में सार्वजनिक स्थानों पर संक्रमण को रोकने में DRDO का ये प्रोडक्ट काफी मददगार साबित हो सकता है। दिल्ली में स्थापित सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोसिव एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी CFEES ने ऑटोमेटिक मिस्ट बेस्ड सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट विकसित की है। ये एक अल्ट्रासोनिक सेंसर पर आधारित डिस्पेंसर यूनिट है जो बिना संपर्क के काम करता है। जब इस डिस्पेंसर के नीचे हाथ लाते हैं तो डिस्पेंसर 12 सेकंड में 5 से 6 मिलीलीटर सैनिटाइजर जारी करता है। उसके बाद दोनों हाथों में इसे अच्छे से लगाकर हाथ को सैनिटाइज किया जा सकता है। यह डिवाइस बेहद कॉम्पैक्ट और किफायती है। इस डिस्पेंसर का उपयोग हॉस्पिटल्स, मॉल, ऑफिस, आवासीय भवनों, हवाई अड्डा, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों के अलावा कई और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में प्रवेश और निकास के समय हाथों के सैनिटाइजेशन के लिए किया जा सकता है। इसे आइसोलेशन और क्वारंटीन सेंटर में प्रवेश और निकास द्वार पर भी लगाया जा सकता है। CFEES ने इस डिवाइस को बनाने के लिए नोएडा स्थित द रियोट ब्लॉस प्राइवेट लिमिटेड और DRDO भवन में यूनिट स्थापित की है। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेज DIPAS और इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज IMNAS ने एक साथ मिलकर दिल्ली में DRDO के प्रयोगशाला में अल्ट्रावायलेट सी लाइट आधारित सैनिटाइजेशन बॉक्स और हैंड हैंडल UV डिवाइस तैयार किया है, जिसमें 254 वेवलेंथ के साथ अल्ट्रावायलेट सी लाइट लगी है। ये UV सी लाइट छोटी होने के बावजूद अधिक वेवलेंथ के साथ ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिसके कारण COVID-19 में मौजूद अनुवांशिक सामग्री यानी कि जेनेटिक मटेरियल को नष्ट करने में काफी मददगार है। UVC लाइट से उत्पन्न विकिरण या रेडिएशन RNA की संरचना को नष्ट कर देता है, जिससे वायरल कण अपने जैसी दूसरी कॉपी नहीं बना पाता है और UVC रोगाणुओं को तेजी से खत्म कर देता है। इस प्रकार UVC लाइट वस्तुओं को सैनिटाइज करने के लिए एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि केमिकल से सैनिटाइज करना हानिकारक भी हो सकता है। इसकी खास बात यह भी है कि वस्तुओं को सैनिटाइज करते समय किसी व्यक्ति को इसके संपर्क में आने की आवश्यकता नहीं है। यूवीसी बॉक्स में किसी भी वस्तु को एक मिनट तक रखकर ऑन करने पर COVID-19 वायरस को नष्ट कर देता है। ये बॉक्स व्यक्तिगत सामान जैसे मोबाइल फोन, टैबलेट, पर्स, करेंसी नोट और कार्यालय की फाइलों के कवर आदि को कीटाणु रहित करने के लिए बनाया गया है। इसके साथ ही हाथ से इस्तेमाल करने वाला 8 वाट का हैंड हैंडल UVC लैंप भी तैयार किया गया है, जिससे कुर्सी, फाइलें, दाग पहुंचाने वाली वस्तुएं और खाने के पैकेट जैसी वस्तुओं को कीटाणु रहित करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। ये उपकरण कार्यालय और सार्वजनिक वातावरण में कोरोना वायरस के संचरण को कम करने के साथ साथ लॉकडाउन के बाद काम पर वापस आने वाले लोगों के मन में कोरोना वायरस के प्रति डर को भी कम करने में सहायक हो सकता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस तरह के इन्फॉर्मेशन पहुंच सके इसके लिए वीडियो को शेयर करें। साथ ही ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।